अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है इंथैलपी। जब आप इंथैलपी की बात करते हैं तो इंथैलपी के बारे में बहुत सारी बुक्स के अंदर मेंशन होता है। इंथैलपी समथिंग, इट इज़ द हीट कंटेंट। इंथैलपी, व्हाट इज़ द इंथैलपी? इट इज एक्चुअली, व्हाट इज दैट? इट इज हीट कॉन्टेंट। तो इंथैलपी हमारे पास हीट कॉन्टेंट होता है। अब जब हम इंथैलपी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम एक सिस्टम कंसीडर करते हैं। हमारे पास एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर के ऊपर हमने कांस्टेंट प्रेशर अप्लाई किया हुआ है, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं पी से, और पहले इसका वॉल्यूम है वी वन। अब होता क्या है, हम इस सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं, जो कि है हीट क्यू। हीट प्रोवाइड करने के बाद क्या होता है कि इस सिस्टम के अंदर जो फिल्ड गैस पार्टिकल्स हैं वो वर्क डन करते हैं। कैसे वर्क डन करते हैं? इस पिस्टन को वो मूव करवा के, फोर्स लगाकर इस पिस्टन को वो एक अपवर्ड लेवल पर ले आते हैं, जिसको हम कह सकते हैं ये पहले वॉल्यूम था वी वन, अब इसका वॉल्यूम हो चुका है वी टू। एंड प्रेशर अभी भी हम कांस्टेंट ही अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन गैस मॉलिक्यूल्स ने हमारे अप्लाई किए हुए प्रेशर के अगेंस्ट प्रेशर अप्लाई किया। यहाँ पर फोर्स अप्लाई करके उन्होंने पिस्टन को मूव करवा दिया, एक्सपेंशन हो गई। अब हमारा कंसर्न क्या है? हमारा कंसर्न है कि हीट एनर्जी जब हमने अप्लाई की है तो यहाँ पर मौजूद जो एटम्स मॉलिक्यूल्स थे उनकी इंटरनल एनर्जी जो है वो हो गई इंक्रीज, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई। दूसरा ये काम हुआ कि इस इंटरनल एनर्जी ने इंक्रीज होकर मॉलिक्यूल्स को फोर्स किया कि वो वर्क डन करें। वर्क डन कैसे? वो वॉल्यूम इंक्रीज करें इस पिस्टन के ऊपर हमारे अप्लाई किए हुए प्रेशर के अगेंस्ट प्रेशर अप्लाई करके। तो हमारे पास क्या हुआ, हीट जो हमने प्रोवाइड की उसके नतीजे में हमारे पास इंटरनल एनर्जी साथ में वर्क डन आया। और वर्क डन, जब हमने इस वर्क डन की बात की तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन आया। ठीक है, इंथैलपी की जब हम बात करते हैं तो इंथैलपी को हम कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर इंथैलपी की हमारे पास जनरल डेफिनेशन आ गई, जो कि क्या है, इंथैलपी इज एक्चुअली द हीट कॉन्टेंट। और ये कौन सा हीट कॉन्टेंट है? वो हीट कॉन्टेंट जो इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन का सम है। ठीक, इंथैलपी जो है वो असल में दो काम करती है। क्या काम करती है इंथैलपी? या इंथैलपी से पहले भी अगर हम हीट की बात करें तो हीट ने दो काम किए, क्या कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज की, दूसरा प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन यहाँ पर हुआ बाय द सिस्टम। देन इंथैलपी जो है ये जूल्स के अंदर में ये की जाती है, और इसके अलावा इसको जूल, किलो जूल पर मोल के अंदर भी मेजर किया जा सकता है। और उसके अलावा इंथैलपी जो है वो एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन होने की वजह से हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। जैसा कि हम इंटरनल एनर्जी का, हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह हम चेंज इन एंथैल्पी फाइंड आउट करते हैं। अब ऐसा क्यों है कि हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी और इन चेंज इन एंथैल्पी क्यों फाइंड आउट करते हैं? तो उसका रीजन ये है कि जब एक सिस्टम होता है उसके अंदर मौजूद कोई कोई भी गैस पार्टिकल्स इंक्लूड है, तो हमने क्या किया हुआ है कि हमने इनकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर हम मेजर नहीं कर सकते,
और बिल्कुल उसी तरह से जब हम इनकी इंथैलपी की बात करेंगे तो इंथैलपी भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर हम इनकी फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो तब हम क्या करेंगे, हम चेंज फाइंड आउट कर लेंगे कि पहले क्या थी और अब क्या है। हीट अप्लाई करने से पहले इंथैलपी या इंटरनल एनर्जी क्या थी और हीट अप्लाई करने के बाद इंटरनल एनर्जी या इंथैलपी क्या है। तो जब हम चेंज इन एंथैल्पी की बात करते हैं तो इस इक्वेशन को हम, जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं, इस इक्वेशन को हम चेंज इन एंथैल्पी दैट वुड बी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस डेल्टा इनटू पी वी। अब ये इक्वेशन हमें बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे रही है कि हम चेंज इन एंथैल्पी को यहाँ से बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज जो है, हमें इसकी डेरिवेशन, इसको हमें खोल के लिखने की जरूरत है। अब होगा क्या, चेंज इन प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन का मतलब है कि या तो ये दो दो कंडीशंस हो सकती हैं। एक कंडीशन ये हो सकती है कि चेंज इन वॉल्यूम स्टडी किया जाए, क्योंकि चेंज एक टाइम में एक ही स्टडी किया जा सकता है। या तो ये कंडीशन हो सकती है कि चेंज इन वॉल्यूम को स्टडी किया जाए, या फिर ये कंडीशन हो सकती है कि वी डेल्टा पी को स्टडी किया जाए। ये दो कंडीशंस हो सकती हैं। अब होगा क्या कि Let me raise it. So let me raise that content. So हम इसको थोड़ा सा अबव कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो। ओके, सो कम टू द पॉइंट, सॉरी फॉर दैट। नाउ हम कर क्या रहे हैं कि यहां पर डेल्टा पी वी की वैल्यू हमने जो निकाली है, हम उसको यहां पर इस इक्वेशन के अंदर ले जाके पुट कर देते हैं। तो क्या होगा हमारे पास, ये इक्वल हो जाएगा डेल्टा ई दैट विल बी सम विद पी डेल्टा वी एंड प्लस पी डेल्टा वी एंड प्लस वी डेल्टा पी दैट वुड बी डेल्टा डेल्टा। अब हम जो जिस केस को स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर हमने कांस्टेंट प्रेशर अप्लाई किया हुआ है। तो जब हम कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि चेंज इन प्रेशर इस टाइम जो है वो जीरो है। हम तो एक्सटर्नली प्रेशर को चेंज नहीं कर रहे, तो चेंज इन प्रेशर जो है वो जीरो होगा। तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह से आ जाएगी, डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको हम कह लेते हैं ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। देन हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर चले। तो हमने क्या कहा था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग जो इंटरनल एनर्जी है वो किसकी इक्वल होती है, क्यू प्लस डब्ल्यू, वेयर क्यू इज द हीट एंड डब्ल्यू इज द वर्क डन दैट कुड बी ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। अब जब हम रिस्पेक्टिव सिस्टम जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके अंदर क्या हुआ था कि हमारे पास जो बीकर था या सिलेंडर था उसका वॉल्यूम जो था वो इंक्रीज हो गया था। तो उस वॉल्यूम की इंक्रीज किस वजह से हुआ था कि इंटरनल जो सिस्टम था उसकी वजह से इंक्रीज हुआ था। तो जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो वर्क डन जो होता है वो नेगेटिव होता है, यानी वहां पे अगर प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन हुआ है दैट विल बी पी डेल्टा वी। वॉल्यूम के अंदर चेंज आया था इसलिए हमने पी डेल्टा वी यूज किया वर्क डन। तो अब होगा क्या कि हम इस वैल्यू को, डब्ल्यू की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हैं।
देन एनर्जी, इंटरनल एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास ओवरऑल क्या है, माइनस पी डेल्टा वी. सो यहाँ पे हमने पुट कर दिया माइनस पी डेल्टा वी. अब प्लस और माइनस इतना मैथमेटिक्स तो सबको पता होता है कि क्यू माइनस पी डेल्टा वी आ जाएगा. अब ये जो रिस्पेक्टिव इक्वेशन हमारे पास आई है इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर थ्री. सो इक्वेशन नंबर थ्री से जो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू है उसको हमने पुट करना है. कहाँ पे पुट करना है, हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो हम इसको चेंज ही लिखेंगे क्योंकि एग्जैक्ट हम इंटरनल एनर्जी तो फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर चेंज आप लाजमी लिखें. सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है इसकी वैल्यू हमने पुट करनी है प्रीवियस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर टू में. तो इक्वेशन नंबर टू के अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं इंटरनल एनर्जी की. तो वो कैसे आएगी, हम नेक्स्ट पेज पे इसको करते हैं. दैट विल बी डेल्टा एच विल बी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी की जगह पर हम लिख देंगे क्यू माइनस पी डेल्टा वी. और इसके अलावा और एक और चीज थी, वो क्या थी, प्लस पी डेल्टा वी, वो हम यहाँ पे लिख देंगे. प्लस पी डेल्टा वी. अब होगा क्या कि यहाँ पर ये दोनों एक जैसे हैं, ये कैंसल आउट हो जाएंगे और हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आंसर होगा डेल्टा एच विल बी इक्वल टू क्यू पी. अब यहां पर पी मैंने क्यों लगाया है, यहां पर पी लगाने का मकसद ये है कि ये जितना भी सिस्टम हमने स्टडी किया उसके अंदर हमारे पास डेल्टा पी कांस्टेंट था. अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट लेकर चलते हैं तो हम उसे क्यू वी लिखते हैं, जैसे हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कहा था. और जब हम प्रेशर को कांस्टेंट लेकर चलते हैं तो उस टाइम हमारे पास क्यू के साथ पी आएगा. अब यहाँ पर एक बहुत मजे की बात है, जो लास्ट लाइन आपकी बुक के अंदर जो टॉपिक गिवन है उसकी लास्ट लाइन के अंदर वो एक बहुत अच्छी बात करता है. वो कहता है, आपने नोटिस किया होगा कि आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू वी पढ़ा था, और जब आपने इंथैलपी चेंज को की वैल्यू निकाली है तो उसको भी आप हीट प्रोवाइड करें तो वो क्यू पी उसकी वैल्यू निकलती है. अब मोस्ट ऑफ द रिएक्शन इंथैलपी जो है वो केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है. थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जब हम बात करते हैं इंथैलपी की तो ये बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं जो कि हम कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, ऑलमोस्ट 90% ऑफ द रिएक्शन जो है वो हम कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, जिसके अंदर डेल्टा पी जो है उसको हम जीरो कंसीडर करते हैं या कांस्टेंट रखते हैं, एक फिक्स्ड वैल्यू होती है डेल्टा पी की, तो हम उसके ऊपर वो रिएक्शन प्रोसीड करवाते हैं. इसलिए जो इंथैलपी है वो इंटरनल एनर्जी की निस्बत ज्यादा कन्वीनियंट है. इसलिए हम क्या करते हैं, आपकी बुक में भी लाइन गिवन है, द रिएक्शन आर कैरिड आउट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर मोर फ्रीक्वेंटली देन द एट द कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. सो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था इंथैलपी के बारे में. इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द थर्मोडायनेमिक्स फर्दर. थैंक यू.